Hello kids, let's do our poem Tartary. This is your chapter 3.1. Now ये poem जो है इसमें जो poet है वो ये बता रहा है कि एक काल्पनिक जगह है Tartary. अगर वो वहां का राजा होता तो वो जो है वहां पे सब कुछ कैसे करता, वो कितनी शानदार जिंदगी जीता अगर वो इस काल्पनिक जगह Tartary का राजा होता. So let's begin the poem. If I were lord of Tartary, myself and me alone. अगर मैं Tartary का राजा होता, मैं और सिर्फ मैं अकेला. My bed should be of ivory, of beaten gold, my throne. मेरा जो बेड है वो आइवरी का बना होता. आइवरी क्या है? जो हाथी के दांत होते हैं टस्क, उसका बना हुआ मेरा बेड होता. और जो मेरी थ्रोन है, जो मेरा राजगद्दी है, वो जो है वो सोने की बनी होती. एंड इन माई कोर्ट शुड पीकॉक्स फ्लॉन्ट. और मेरा जो दरबार है उसमें जो मोर है वो इधर से उधर परेड कर रहे होते. एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हॉन्ट. और मेरा जो जंगल है वहां पे शेर सबको डरा रहे होते. एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लैंड. और मेरा जो पूल होता, जो मेरे दरबार में जो पूल होता, वहां पे जो है फिशेस, जो मछलियां हैं, वो इधर से उधर जा रही होती हैं, एक कोने से दूसरे कोने में. देयर फिन्स अथवॉर्ड द सन. और उनके जो पर हैं, जो मछलियों के जो साइड में फिन्स होते हैं, वो जो है वो आसमान की तरफ, सूरज की तरह उनका मुंह होता. If I were Lord of Tartary, trumpeters every day to every meal would summon me, and in my courtyard bray. अगर मैं तातरी का राजा होता तो जो trumpeters हैं, यानी जो बैंड बजाते हैं, वो लोग जो है खाने से पहले जोर जोर से बैंड बजा के मुझे बुलाते और मेरे जो दरबार है उसमें जोर जोर से आवाजें करते. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे कहते हैं ट्रम्पेट, और जो इसे बजाता है उसे कहते हैं ट्रम्पेटियर. तो वो लोग जो है वो बैंड बजा के उसे बुलाते. एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन येलो एज हनी रेड एज वाइन. और रात में जो है वो दिए जलते, वो किस रंग के होते? वो शहद जैसे पीले होते और वाइन जैसे लाल होते. व्हाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन मेड म्यूजिक स्वीट एंड गे. और शाम को जो है म्यूजिक बजता हार्प फ्लूट और मैंडोलिन से, मधुर और बहुत ही खुशनुमा. तो इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हार्प, फ्लूट यानी बांसुरी, और ये है मैंडोलिन. If I were Lord of Tartary, I would wear a robe of beads. अगर मैं तात्रे का राजा होता तो मैं जो है जो कपड़े पहनता वो मोतियों के बने होते. रोब यानी जो कपड़ों के ऊपर राजा पहनता है ना, इसे, इस चीज को कहते हैं रोब. तो वो जो है मोतियों का बना पहनता. व्हाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे वुड बी एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड्स. वो कह रहा है वो मोती जो है वो सफेद, गोल्डन और हरे रंग के होते, और वो इतने ज्यादा होते कि बीजों जैसे लगते, कि इतने ज्यादा मोती जो है वो वहां पे उस रोप में लगे हुए होते. एंड ईयर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, आई वुड डॉन माई रोप एंड श्मिटर. और वो कह रहा है कि सुबह सुबह तारा निकलने से पहले, सुबह का जो तारा होता है आसमान में निकलता है, उसके निकलने से पहले ही जो है मैं अपना रोप पहन लेता और स्मिटर यानी जो है ये छोटी सी तलवार, इसे मैं पहन लेता. एंड जीब्रा सेवन शुड ड्रॉ माई कार थ्रू तात्रीज डार्क ग्लेज. और जो है सात जीब्रास जो है वो मेरे कार को, मेरे जो जिस वाहन पे मैं जा रहा होता उसे खींचते, और जो है वो उसे जो है तारतरी के अंधेरे जंगलों से लेके जाते. लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ तारतरी, हर रिवर सिल्वर पेल. लॉर्ड ऑफ द हिल्स ऑफ तारतरी, ग्लेन थिकेट वुड एंड डेल. हर फ्लैशिंग स्टार्स, हर सेंटेड ब्रीज, her trembling lake like foamless seas, her bird delighting citron trees in every purple vale. तो कभी यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो तारतरी का राजा होता तो वो वहां के फलों पे भी राज करता, वहां की नदियों पे भी जो सिल्वर रंग की हैं, वहां के पहाड़ों पे भी वो राज करता, वहां पे जो वैलीज हैं, कुछ पतली वैलीज, कुछ जो है बहुत ही डेंस, बहुत ही भरी हुई, कुछ में बहुत सारे पेड़ हैं, और कुछ जो है खुली हुई जो घाटियां हैं उन सब पे भी वो राज करता. वहां का जो आसमान है जिसमें तारे चमक रहे होते, वहां पे जो हवा है जिसमें खुशबू आ रही होती, वहां पे जो तालाब हैं जो देखने में जो है बिना झाग के समुन्दर जैसे लगते, उन सब पे भी वो राज करता. जो वहां पे पर्पल रंग की घाटी है जहाँ पे नींबू के पेड़ हो रहे थे, जिसपे चिड़िया बैठ के खुश होती हैं, इन सब पे भी वो राज करता. तो अगर वो तारतरी का राजा होता तो ये सब चीजें जो है ये उसकी होती, तो ये सब कितना अच्छा होता, वो कितनी अच्छी जिंदगी जीता. कवि का नाम है वॉल्टर डे ला मेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
If you have any doubts or questions, you can comment and I'll try to reply. Thank you.